नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा और पश्चिमी क्षेत्र से अरमान खान के घर पुलिस सुबह तड़के से पहरा दे रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों सपा विधायक महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 11 बजे से सपा विधायक विधान भवन में प्रदर्शन करने वाले थे, जिसकी भनक लगते ही पुलिस ने दोनों विधायकों के घर को घेर लिया। इसके साथ ही दोनों विधायकों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। बता दें, सपा विधायक के घर पुलिस का पहरा, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ करने वाले थे प्रदर्शन, पुलिस बल तैनात है। बता दें, सपा विधायक के घर पुलिस का पहरा है महंगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सागर थापा हमसे जुड़ेंगे। सागर, पुलिस ने सपा विधायकों के घर पहरा बंदी कर दी है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, आपको बता दूं कि लखनऊ की 9 सीटों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, जो कि एक मध्य सीट है वो रविदास मेहरोत्रा है, क्योंकि पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं और काफ़ी कद्दावर नेता भी रह चुके हैं। और दूसरी सीट आपको बता दूं लखनऊ के पश्चिम इलाके से है, जो कि अरमान खान है। इन दोनों के घर के बाहर ही कल रात से पहरा लगा दिया गया है, पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्योंकि आज सुबह ये तय हुआ था कि सपा के द्वारा कि सुबह 11 बजे से 2 बजे तक यहाँ प्रदर्शन होगा। विधान भवन में चौधरी शरण सिंह की जो मूर्ति है, उसके बाहर सपा विधायक, सपा विधानमंडल दल के जो नेता हैं, तमाम विधायक जो हैं, तमाम जो लोग हैं सपा के कार्यकर्ता से लेकर तमाम जो बड़े नेता यहाँ प्रदर्शन करेंगे। और सबसे बड़ा प्रदर्शन करके उनका मुख्य मुद्दा था बेरोजगारी और जो सूखा प्रदेश है उसको लेकर, आजम खां पे जो दर्ज किए लगातार मुकदमे हैं और तमाम जो चीज़ें हैं उनको लेकर सपा आज प्रदर्शन करने वाली थी। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो पुलिस ने कल रात से ही बैरिकेडिंग कर दी है सपा के विधायकों के घर के बाहर। तो ये अभी तक फिलहाल ये मामला पूरी तरह से शांत बताया जा रहा है। और ये सपा का जो प्रदर्शन है ये 18 तारीख तक चलने वाला था, आज इसकी जिम्मेदारी विधानमंडल दल के सचेतक हैं मनोज कुमार पांडे से लेकर तमाम जो लोग हैं, नरेश उत्तम पटेल हैं, रविदास मेहरोत्रा हैं, तमाम जो बड़े विधायक दल के जो नेता उनको दी गई थी। अब देखने वाली बात कि ये किसी दिन भी आज से लेकर 18 तारीख तक जो सपा जो है प्रदर्शन करेगी, इसमें किसी भी दिन अखिलेश यादव सम्मिलित हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सपा का जो प्रदर्शन है उसको पूरी तरह से जो योगी सरकार, इसमें पूरी तरह से विफल बना दिया है। और देखने वाली बात है कि किस तरह से सपा अब इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ती है और इस चीज़ को लेकर बड़ा प्रदर्शन किस हिसाब से करती है। जी सागर, सपा विधायकों को प्रदर्शन करने से क्यों रोका गया, क्या वजह है, सरकार को इसमें क्या खतरा नजर आ रहा है? देखिए मयूरी, सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो एक कानून व्यवस्था को लेकर एक सरकार जो बहुत सचेत है, चाहे सीएम योगी सरकार हो, चाहे पीएम मोदी सरकार हो, चाहे तमाम सरकारें हो, कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा सचेत रहती है। और दूसरी बात, प्रदेश का सबसे बड़ा मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी शायद ये लग रहा होगा कि जो प्रदर्शन है वो बेरोजगारी के खिलाफ है, आजम खां की गिरफ्तारी के खिलाफ है और तमाम जो सूखा प्रदेशों में जो बेरोजगारी है और तमाम चीज़ें, युवाओं को ना रोज़गार ना मिलके जो तमाम चीज़ें हैं उसको लेकर जो सपा प्रदर्शन कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मयूरी कि शायद सपा, शायद भाजपा को भी इससे कुछ ना कुछ खतरा हो सकता है। इस वजह से इस अभियान को, इस प्रदर्शन को पूरी तरह से सरकार विफल करने की कोशिश में है। जी सागर, प्रदर्शन को देखते हुए सपा विधायकों के घरों की घेराबंदी कर दी है, तो प्रदर्शन को लेकर आगे की रूपरेखा कैसी होगी? देखिए मयूर, जैसे मैंने आपको बताया कि सपा जो विधायक है, 2 ही विधायक हैं केवल, एक लखनऊ पश्चिम से, एक लखनऊ मध्य से है। इन दोनों के घर कल रात से ही पीएससी से लेकर तमाम जो पुलिस बल है वो लगा दिया गया है और इन्हें पूरी तरह से घर में ही नज़रबंद कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा था कि जो कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था उसमें भी कांग्रेस की जो विधायिका थी उनको भी नज़रबंद किया गया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार, जो सीएम योगी सरकार है, वो पूरी तरह से किसी भी तरह से अराजक तत्व या फिर हिंसा फैलाने की घटना को नाकाम साबित करने में लगी है, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तमाम विपक्षी दल हो, क्योंकि हमने इससे पहले भी तमाम ऐसी चीज़ें देखी जो सरकार ने विफल की। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है और आगे भी सजग रहती रहेगी। जी सागर, अब अखिलेश यादव के घर के बाहर भी घेराबंदी की जा रही है, इसकी क्या वजह सामने आ रही है?
देखिए मयूरी, सबसे बड़ी बात ये कि देखिए एक से एक यूपी का मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव के नेतृत्व में तमाम चीज़ें जो हैं उनके कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम जो विधायक हैं और यूपी के तमाम जो विधायक हैं, जो यूपी के 75 जिलों के विधायक हैं, वो तमाम जो लोग हैं उनकी बोली पर बहुत चलते हैं, उनके एक इशारे पर हर चीज़ करने को तैयार हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, पुलिस ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है कि किसी भी तरह का अराजक तत्व, किसी भी तरह की हिंसा या किसी भी तरह का प्रदर्शन यहाँ पर ना होने पाए, क्योंकि आगामी नगर निकाय चुनाव भी आने वाले हैं और तमाम चीज़ें पुलिस सुरक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो पुलिस पूरी तरह से सजग है, और सरकार की साफ साफ मंशा बताई जा रही है कि सरकार ने साफ साफ ये एक साफ साफ एक ऐलान कर दिया है कि अगर आप किसी भी तरह का हिंसा फैलाएंगे तो सरकार आपको किसी भी तरह से नहीं बख्शेगी। और यही हाल यही हुआ है कि इस वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो प्रदेश में सपा सरकार और सपा के जो विधायक हैं जो प्रदर्शन करने वाले थे, बेरोजगारी को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर जो तमाम मुख्य मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं और राज्य मुद्दे हैं, उनको लेकर जो तमाम प्रदर्शन करने वाले थे उनको पूरी तरह से सरकार ने विफल बना दिया है। और बीती रात से ही रविदास मल्होत्रा से लेकर अरमान खान जो लखनऊ के विधायक हैं उनके घर पे बैरिकेडिंग कर दी गई है, उनको नज़रबंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं साफ संदेश जाता है कि आप किसी भी तरह का राज्य में किसी भी तरह का अराजक तत्व या फिर बगैर किसी परमिशन के या बगैर किसी प्रमुख मुद्दों के, हालांकि प्रमुख मुद्दे तो सपा के पास हमेशा से रहें क्योंकि एक बड़ा विपक्षी दल है, और राजनीति में ये देखा जाता है कि जो विपक्षी दल होता है हमेशा सरकार के विरोधी रहता है, चाहे एक समय था वो भाजपा भी थी और एक समय था कांग्रेस भी थी, एक समय आज ये है कि सपा है, और सपा ने विधायक सपा के जो विधायक हैं तमाम जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन के जुगत में लगे थे, इन्हीं पर पूरी तरह से विफल कर दिया गया है। और मुझे ये लगता है कि जो आगामी जो 18 तारीख तक जो सपा की जो रणनीति है कि सपा ने चलाई है कि हम 18 तारीख तक विरोध प्रदर्शन करेंगे, जो बड़े बड़े नेता हैं, नरेश उत्तम हो गए, मनोज कुमार पांडे हो गए, पूर्व मंत्री हो गए, जो इनके हाथ में जिम्मेदारी दी गई थी, अब देखने वाली बात है कि आज की तारीख में जो प्रदर्शन होना था उसको तो पूरी तरह से विफल कर दिया है सरकार ने। अब आगामी जो कल की बात है, परसों की बात है, 18 तारीख की बात है, सरकार इसमें क्या कदम उठाती है। जी सागर, क्या इस प्रदर्शन में अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं? देखिए अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि वो 18 तारीख के बीच में कभी भी शामिल हो सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी छवि है अखिलेश यादव की, बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा शक्ल है, और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का, और अखिलेश यादव का सम्मिलित होना भी मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। शायद वो किसी भी तरह के सरप्राइज भी दे सकते हैं, शायद वो आज भी आ सकते हैं, शायद वो कल भी आ सकते हैं, शायद 18 तारीख के बीच में कभी भी आ सकते हैं। तो देखा ये जाएगा कि अखिलेश यादव का सम्मिलित होना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लीडरशिप की एक जो लीडरशिप की क्वालिटी है अखिलेश यादव में बहुत ही बेहतर तरीके से है, तो लीडरशिप की क्वालिटी ही अखिलेश यादव को आगे बढ़ाई और इस वजह से ही वो तमाम चुनाव जीतते आए हैं, और जो उनके कार्यकर्ता हैं वो उनके लिए किसी भी तरह का प्रदर्शन करने को तैयार हो जाते हैं, और जो उनके विधायक हैं उनकी बात कभी भी नहीं काटते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव का शामिल होना भी बहुत ज़रूरी बताया जा रहा है, और किसी भी दिन वो 18 तारीख से लेकर आज से लेकर 18 तारीख के बीच में किसी भी दिन शामिल हो सकते हैं। जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। गोंडा में आरटीओ विभाग ने अभियान चलाकर स्वास्थ्य विभाग की अनफिट और बिना प्रदूषण परमिट की चल रही एम्बुलेंस का चालान कर सीज करने की कवायद तेज कर दी है, जिसके चलते 20 एम्बुलेंस के चालान समेत 4 एम्बुलेंस को सीज भी किया जा चुका है। इसके बावजूद अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। जानकारी के मुताबिक जिलाधिकारी ने कई बार आदेश दिए लेकिन उसका भी पालन नहीं हो रहा है। नाम पे लगभग 79 तो एम्बुलेंस दर्ज हैं और उनकी अपनी भी सरकारी गाड़ियां हैं जिनसे अधिकारी बहुत चलते हैं। ऐसी गाड़ियां जो अनफिट हैं उनकी समय समय पे प्रवर्तन कार्य करते हुए कार्रवाई की जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे वर्तमान में अभी पीटीओ हैं जो प्रभारी आरटीओ के रूप में कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनके द्वारा और जब मेरे पास तो चार्ज था तब मेरे द्वारा भी बराबर इन गाड़ियों का चालान किया गया। इनमें कम से कम 4 से 5 गाड़ियाँ सीज भी की गई हैं और लगभग 20 गाड़ियां चालान की गई हैं।
गोंडा में आरटीओ विभाग ने अभियान चलाकर स्वास्थ्य विभाग की अनफिट और बिना प्रदूषण परमिट के चल रही एम्बुलेंस का चालान कर सीज करने की कवायद तेज कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राशिद हमसे जुड़ेंगे। राशिद, स्वास्थ्य विभाग की अनफिट और बिना प्रदूषण परमिट के एम्बुलेंस चल रही है, इसको लेकर क्या जानकारी है? गोंडा की अगर बात की जाए, जो सरकारी विभाग है, बात की जाए चाहे स्वास्थ्य विभाग की या फिर विकास भवन की, जिस तरीके से अनफिट जो कार है जो सड़कों पर दौड़ रही है, अगर बात की जाए स्वास्थ्य महकमे की, जिस तरीके से जो लगभग सैकड़ों ऐसे एम्बुलेंस हैं जो बिना परमिट और बिना, यानी कह सकते हैं जो अनफिट है, जो मानक है, उसको दरकिनार करते हुए सड़कों पर जो दौड़ रही है, उसको लेकर जो आरटीओ विभाग है उसे उस पर कसा शिकंजा कसा है। और आपको बताते चलेंगे, बीते कुछ दिन पहले जिस तरीके से जो डीएम है जो अभी कुमार है ने, उन्होंने सख्त दिशा निर्देश दिया था और प्रमाण भी जारी किया था कि जो सरकारी विभाग के जो एम्बुलेंस हो या फिर जो भी गाड़ियां अनफिट हो, उसे परमिट जो बिना परमिट के ही चल रहे हो या फिर जो प्रदूषण जिसके नहीं हो, वो सारे लोग अपना करा ले। लेकिन जिस तरीके से डीएम डॉक्टर उज्ज्वल कुमार ने मुख्य जो स्वास्थ्य विभाग है उसे जिस तरीके से अवगत कराया था, उसको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के जो मुखिया है वो कहीं ना कहीं अनजान दिखे, जिसको लेकर आरटीओ विभाग ने लगातार कार्रवाई की। 20 ऐसे जो सरकारी एम्बुलेंस थे उस पर चालान भी दिए हैं और लगभग 4 से 5 एम्बुलेंस को सीज भी किया है। जी जी, इस समस्या को लेकर जिलाधिकारी ने कई बार आदेश भी दिए हैं, तो इसमें किसकी लापरवाही सामने आ रही है, उनके आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल साफ तौर से जिस तरीके से डीएम ने जिस तरीके से निर्देश दिया कि जो अनफिट और जो मानक को दरकिनार कर जो एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ रही है उसे पूरी तरह सही करा ली जाए, जो आरटीओ की जो मानक है, चाहे बात की जाए प्रदूषणों की या बात की जाए जो अनफिट है, वो सारी चीजों को कर दिया जाए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के जो मुखिया है वो सारे डीएम कहने में जो डीएम के आदेश थे उसे भी दरकिनार करते हुए दिखे। और सवाल कई खड़े होते हैं कि जब डीएम की ही बातों को अमल नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग के जो मुखिया है, सीएमओ है कह सकते हैं, कहीं ना कहीं वो नजरअंदाज, कहीं ना कहीं जो मरीज है, जो एम्बुलेंस से जो मरीजों को लाया जाता है, जो परिवार उसके साथ तीमारदार आता है, और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर घटना हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जी तो राशिद, अभी तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, इस पूरे मामले पे एआरटीओ बबीता वर्मा ने साफ स्पष्ट कहा है कि अभियान चलाया जा रहा है और अगर ऐसे बार बार इनको अवगत भी कराया जा रहा है, इसके बाद भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं, तो उस पर आरटीओ विभाग अपना कार्रवाई करेगा, क्योंकि कार्रवाई करना भी जरूरी होगा कि अगर जिस तरीके से प्राइवेट वाहनों का जिस तरीके से आरटीओ विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है अभियान चलाकर सड़कों पर जो बिना परमिट के और जो बिना प्रदूषण की गाड़ियां दौड़ रही है उस पर कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं इसको चाहे वो सरकारी विभाग हो, सब पर आरटीओ विभाग कार्रवाई करने के लिए प्लान बना रहा है। जी धन्यवाद राशिद तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।